भारत की आजादी के बाद से हमेशा आदिवासियों की एक मांग रही थी कि उनके लिए अलग राज्य का निर्माण हो और 15 नवंबर 2002 झारखंड के रूप में आदिवासियों के लिए एक राज्य का गठन हुआ। लेकिन ये 17 साल बीत गए, हम 18 साल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासियों को आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पर, रहन सहन के नाम पर बांटा जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और ये हम बता देना चाहते हैं केंद्र सरकार को भी और यहाँ के राज्य सरकार को भी कि सारे आदिवासी 550 से ज्यादा जनजाति जो है इस भारतवर्ष में रहते हैं और 32 जनजाति जो इस राज्य में रहते हैं एक है और दुनिया का कोई ताकत उसको अलग नहीं कर सकता है, ये हम बता देना चाहते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास इस क्षेत्र के सारे आदिवासियों के द्वारा किया गया है और मेरा मानना है कि आज इस प्रकार नौकरियों की लूट हो रही है, जिस प्रकार सीएनटीएससी एक्ट में संशोधन करके जमीन लूटने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या विकास के लिए आदिवासियों ने जमीन नहीं दी? दी थी, लेकिन आज देखिए जो राजा था, जो इस राज्य में शासन करता था, उसका क्या दशा हो गया है? हमारी माँ बहने रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए बाध्य हो गई हैं और उनका जो शोषण हो रहा है वो बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है, हम लोग को बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि सारे आदिवासी, विश्व के सारे आदिवासी एक हो और ये नारा देना पड़ेगा, हम आदिवासी एक हैं। मैं अपने वक्तव्य को अंत करके